रुद्रप्रयाग जिले के शहीद सैनिक की बेटी प्रीति नेकी ने साउथ अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर साइकिल के साथ चढ़ाई कर विदेशी धरती पर अपने देश को तिरंगा लहराने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। आज अपने गृह जनपद रुद्रप्रयाग पहुंचने पर पूर्व सैनिक संगठन जिला सैनिक कल्याण विभाग और सेना की 6 ग्रेनेडियर यूनिट द्वारा उनका ढोल नगाड़ो और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि 2 गढ़वाल राइफल के वीर शहीद हवालदार राजपाल नेगी की बेटी प्रीति नेगी ने 18 दिसंबर को साउथ अफ्रीका के तंजानिया में माउंट किलिमंजारो चोटी पर 3 दिन में चढ़ाई करते हुए भारत का तिरंगा लहराते हुए पाकिस्तानी महिला के 4 दिन के रिकॉर्ड को तोड़कर भारत के नाम किया है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। मैंने अपने दोस्त से साइकिल बाय की है, सेकंड हैंड साइकिल ली। उसमें श्रीनगर में मैंने रात को भी, मैं मम्मी को पता है कि मैं दिन भर घूम स्पॉन्सरशिप ढूंढती रहती थी, और शाम को रात को 8 से 9 बजे के करीबन मैं अकेली लड़की वहाँ श्रीनगर के एक मार्केट है वहाँ से गोल चक्कर काट के अपना शाम को प्रैक्टिस करती थी। बहुत मुश्किलें आई, बट मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि अपने बच्चों को हमेशा आगे सपोर्ट कीजिए। जिनके अंदर जुनून और जज्बा है कुछ करने का, प्लीज़ उसको डाउन मत कीजिए। प्रीति बेटी हमारे पास आई है, जनपद रुद्रप्रयाग की बेटी है, और रुद्रप्रयाग में पूर्व सैनिक संगठन के पास आई है बेटी। तो मैं नमन और कोटि वंदन करता हूँ और सल्यूट करता हूँ ऐसी बिटिया को, जिसने कि हमारा जिले का नाम रोशन किया है और अपने माँ बापों का नाम रोशन किया है, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है, पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। मैं पुनः इस बेटी को सलाम करता हूँ। इस बेटी ने हरिद्वार टू केदारनाथ की जो कुछ दिन पहले अपना साइकिलिंग से ये भी एक कीर्तिमान बनाया था, और आज इसने साउथ अफ्रीका की तंजानिया की किलिमंजारो चोटी फतह की है, और इसके साथ ही इसने पाकिस्तान की समा खान के जो रिकॉर्ड था, जो पाकिस्तानी अधिकारी की बेटी है, इस बेटी जी शहीद की बेटी ने उसका रिकॉर्ड को तोड़ करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया।